हेलो दोस्तों, इट इज द रिजल्ट सीजन अगेन एंड आई होप आप सब लोग अपने रिजल्ट से खुश होंगे और जोर शोर से अपने आगे के प्लान्स बना रहे होंगे। ये सब बड़े बड़े प्लान्स बनाते बनाते हम एक चीज का इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं, वो है मोटिवेशन। आज मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ कुछ टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे मोटिवेटेड रहने में। चलिए स्टार्ट करें। दोस्तों, मेरा सबसे पहला टिप आपको ये रहेगा कि द सीक्रेट टू सक्सीडिंग इज गेटिंग स्टार्टेड। कहीं ना कहीं शुरुआत करो। बैठ बैठ के सोचते रहोगे कब करना है, कैसे होगा, यू जस्ट गेट ओवरवेल्म्ड बाय द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ यू। जस्ट स्टार्ट एंड कॉन्फिडेंस अपने आप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मेरा सेकंड टिप और जो काफी इंपॉर्टेंट है कि ये कंपैरिजंस के चक्कर में मत पड़ो। आप दूसरों को देख के ये मत सोचो कि अरे यार उसके इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे, क्या होगा ये वो। अरे उन्होंने भी कहीं ना कहीं शुरुआत की होगी। और याद रखो, तुम्हें सिर्फ एक सीट चाहिए तो तुम्हें एक दूसरे को गिराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपनी एक सीट लानी है। My third tip is a formula that I've used a lot myself, कि अपने लाइफ के गोल्स खुद बनाओ, depending on what you think you can achieve। आप ही अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हो और एक अच्छा बढ़िया गोल बनाओ अपनी लाइफ के लिए कि आप लाइफ में कहां जाना चाहते हो। Your goals will then automatically motivate you to work harder। आपके गोल्स की वजह से आप अपनी लाइफ जियोगे। आप सुबह उठोगे और सोचोगे आज मैं अपना गोल पाने के लिए क्या कर सकता हूं। इसलिए थर्ड टिप, मेक गोल्स। सो नाउ दैट यू हैव अ गोल इन प्लेस, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि वो गोल एक दिन में नहीं अचीव हो सकता। सेट योरसेल्फ स्मॉलर एंड मोर अचीवेबल वीकली गोल्स और उसके बाद अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। एक बड़ा गोल है एकदम तो नहीं होगा, तो आप सोचो कि मेरा इस महीने का क्या गोल है, कितने चैप्टर करने हैं, उससे आपको मिलेगा इस हफ्ते का क्या गोल है और उससे मिलेगा आज का क्या गोल है। तो एक बड़े गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटो। दैट्स माय टिप नंबर 4। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है।